मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। एमपी के प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल वापस हो गई है। कल यानी मंगलवार से फिर से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। यह निर्णय सोमवार दोपहर में हुई स्कूल संचालकों की मीटिंग में लिया गया। हालांकि प्राइवेट स्कूलों की सरकार से लड़ाई जारी रहेगी। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक सरकार ट्यूशन फीस का आदेश वापस नहीं लेती और 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल नहीं देती, तब तक असहयोग जारी रहेगा। सरकार को कोई टैक्स नहीं देंगे, ट्यूशन फीस जमा नहीं करने वाले पेरेंट्स को लेट फीस देना होगा, वहीं किसी भी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल सर्टिफिकेट और हाई स्कूल अंधमुख बधिर श्रेणी सहित का रिजल्ट 14 जुलाई को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के करीब 10.5 लाख बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनके अंक पता चलेंगे। इस बार खास यह होगा कि परीक्षा में कोई छात्र फेल नहीं होगा, छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की शिवलिंग के सामने स्थित गणेश मंडपम में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि जिस वक्त मंदिर में सांप निकला उस समय मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद था। सांप को देखते ही मंदिर प्रबंधन को सूचना दी गई। मंदिर में तैनात सुरक्षा तुरंत मौके पर पहुंचे और बीएसएफ जवान ने सांप को पकड़कर मंदिर परिसर के बाहर छोड़ा। महाकालेश्वर मंदिर में सांप निकलने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की साजिश को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को निर्देश दिया है। उन्होंने डीजीपी से कहा है कि प्रदेश में चिन्हित सीमा और आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों की पहचान करें। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमने पूरे मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना की साजिश को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया है। प्रदेश में चिन्हित और संदेही सीमा और अलकायदा से संबंधित लोगों की पहचान और निगरानी करने को कहा गया है। गृह मंत्री ने कहा है कि मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट कर आदेश जारी कर दें। भोपाल में रविवार को गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि जिनकी उम्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की है वे बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं। दरअसल उन्होंने यह तंज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कसा है। दिग्विजय के नेतृत्व में कांग्रेस ने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के एक पार्क की जमीन आरएसएस से जुड़े संगठन लघु उद्योग भारती को आवंटित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया था।